वेलकम टू माय चैनल सरसी सर की क्लास। आज हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, हुज, दैट, विच, ये चार इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने वाला है। मेन प्रॉब्लम होता है समझ में नहीं आता हु का प्रयोग कहाँ होगा, दैट का प्रयोग कहाँ होगा, विच का प्रयोग कहाँ होगा या फिर हुज का प्रयोग कहाँ होगा। तो हम आपको हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है कि वो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, आई मेट राम एक सेंटेंस हुआ, राम हेल्प मी, ठीक है। आई मेट राम, मैं राम से मिला, राम हेल्प डी, राम ने मेरी सहायता की। इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हम इसमें से किसी एक का यूज करेंगे। आई मेट राम हु हेल्प मी, मतलब कि मैं राम से मिला जिसने मेरी मदद की। अब यहां पर मैंने हु यूज किया है, बाकी चीजों को यूज नहीं किया। अब यही हमको समझना है, आपको समझाना है कि कब कब हम हु यूज करेंगे, विच यूज करेंगे, हुज यूज करेंगे, डैट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यू को समझते हैं, तो चलिए हु के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए, हु का यूज हम लोग सिर्फ इंसानों के लिए करते हैं, लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। एक चीज और जो मिस हो गया था वो हम आपको बता दें, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, चाहे हु डैट कोई भी हो, तो आप नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माय अंकल, वो व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है मेरा अंकल है। अब यहाँ पर हु जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसी व्यक्ति के लिए हुआ है, तो द मैन हु इज स्टैंडिंग। अब यहाँ पर द मैन इज माय अंकल आप नहीं लिखेंगे, यही दो सेंटेंस को आपने एक में मिला दिया है हु के माध्यम से, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज करेंगे तो दोबारा नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द बॉय हु इज इन माई क्लास, वो लड़का, मैं वो लड़का पसंद करता हूँ जो मेरी क्लास में है। तो हु यूज हुआ उस लड़के के लिए जो उसके क्लास में है, तो यहाँ पर नाउन के जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी लिविंग थिंग, ये भी लिविंग थिंग। द गर्ल हु स्टोल योर फोन इज आउटसाइड, वो लड़की जो तुम्हारी फोन को चुराई वो बाहर है। तो यहाँ भी हु का यूज हुआ गर्ल के लिए, लिविंग थिंग के लिए। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर नॉट वेरी फ्रेंडली, मतलब आपके जो घर के बगल में है वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पर हु यूज हुआ लिविंग थिंग पीपल के लिए। तो हु का यूज आप समझ लीजिए, जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन से लिविंग थिंग को जोड़ना हो तो आप हमेशा हु का उपयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मानव के लिए, इंसानों के लिए। इसके अलावा आप हु का यूज कहीं नहीं करेंगे, और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा नाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच। नेक्स्ट है विच। विच का यूज हम लोग नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स के लिए करते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग और एनिमल्स। विच का यूज आप लिविंग थिंग के लिए नहीं कर सकते, लिविंग थिंग के लिए हु यूज किया जा रहा था, ठीक है। द बुक, बुक क्या है, नॉन लिविंग है। द बुक विच आई गेव यू इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो पुस्तक जो मैंने तुमको दी थी वो काफी इंटरेस्टिंग है। द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, ये डॉग एनिमल्स है, वो कुत्ता जो ब्लैक है वो मेरा है। दिस इज द कार विच आई हैव बॉट इज रेड, ये वही कार है जो मैंने खरीदी, किस कलर की, रेड कलर की। द चेयर विच इज ब्रोकन इज माइन, वो कुर्सी जो टूटी हुई है वो मेरी है। ये चेयर क्या हुआ, नॉन लिविंग। द कैट विच इज ब्लैक इज माइन, वो बिल्ली जो काली है वो मेरी है, ये एनिमल के लिए। तो विच का यूज आप नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए ही बस करेंगे। चलिए वुज का यूज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है वुज। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डैट होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, वुज का मतलब होता है अधिकार, पोजिशन। जहाँ पोजिशन की बात होगी वहां पर हम वुज का यूज करेंगे, चाहे वो लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग या एनिमल की। अब देखिए, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना, यह वही लड़का है जिसका भाई पटना में रहता है। तो भाई किसका है, इस लड़के का, मतलब अधिकार दिखला रहा है कि यह भाई इस लड़के का है। तो इस वजह से हम यहाँ पर हुज का यूज करेंगे, क्योंकि एक दूसरे में पोजीशन दिखला रहा है।
दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी. तो टॉमी किसका नाम है? इस डॉग का. यह अधिकार है. अधिकार मतलब इससे समझ लीजिए, इस पर, इस नाम पर इस डॉग का अधिकार है. तो यह वह कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है. द बॉय हुज बाइक वॉज स्टॉलेन इज क्राइंग. यह वही लड़का है जिसकी बाइक चोरी हो गई है और वो रो रहा है. तो यहाँ पर बाइक किसकी है? ये लड़के की है. तो यहाँ पर हुज का प्रयोग किया गया. दिस इज द गर्ल. ये वही लड़की है जिसकी माता क्या है? नर्स है. तो माता किसकी है? इस लड़की की. तो यहाँ पर हुज का यूज होगा. तो जहां भी ऐसा लगे कि अधिकार शो कर रहा है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो आप हुज का यूज करेंगे. चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैट का यूज देख लेते हैं. अब देखिए डैट, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. थोड़ा देर पहले आपने ऐसा सेंटेंस देखा था हु के केस में. दिस इज द टीचर. यह वही टीचर है. डैट टॉट माई चिल्ड्रन, जो मेरे बच्चों को पढ़ाते थे. ठीक है. द डॉग डैट स्टोल द पाई इज बैक. वो डॉग जिसने पाई, पाई मतलब खाने की चीज होती है, खाने की चीज चोरी किया था, वापस आ गया. तो यहां पर जो डैट आप देख रहे हैं, यहां पर इसको आप अगर हु लिख देंगे तो भी सेंटेंस में गलती नहीं मानी जाएगी. मतलब कि जहां पर आप हु यूज कर रहे थे वहां पर आप डैट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. लिविंग या फिर नॉन लिविंग, दोनों कंडीशन में आप डैट यूज करेंगे, सेंटेंस सही होगा. लेकिन लिविंग थिंग के साथ ही आप हु यूज करेंगे. मतलब डैट यूज आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों में करेंगे, चलेगा. लेकिन हु का यूज सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा. तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा कि डैट ऑलराउंडर है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, और हु का यूज सिर्फ लिविंग थिंग में किया जाता है. रिलेटिव नाउन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब डाउट क्लियर हो गया होगा डैट या फिर हु या विच, हुज का यूज कहाँ होता है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा आप फेसबुक पेजेस पर भी पूछ सकते हैं, हम आपको हमेशा रिप्लाई करेंगे. वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हमारे ब्लॉग आप फिर वही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.